रहमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में हैरियत से होंगे। तो आज मेरा दिल कर रहा था मीठा कुछ खाने को, तो मैं तबीयत मुँह है, आपको पता है महीने का लास्ट डेट हो तो आप कबर से चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। मैं तबीयत ख़त्म था और अंडे भी बस दो तीन थे, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। सूजी है थी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई, तो मैंने एक कप सूजी ली है, इसको करने लगी हूँ मैं ग्राइंड। सूजी को मैंने डाला इसके अंदर, मैं डालने लगी अंदर चीनी। ये देखे सूजी जो है ना, ये देखे जैसे आटा हो गया ना वैसे हो गई है। अब मैं चीनी को भी काट लेती हूँ। अभी मैंने सूजी भी डाल दी अंदर, अब मैंने चीनी का भी पाउडर बना लिया, इसको भी डाल लिया। अब इसको मैं काट लेती हूँ एक तरफ। अंदर मैं डालती हूँ ऑयल, ऑयल मैं तीन चार चम्मच डालूँगी बार बार के। अभी मैं दूध डाल लेती हूँ, दूध मैं हाफ लेती हूँ, हाफ कप। अभी मैं डालती हूँ इसके अंदर दही, ये मैं दही डाल रही हूँ, दो से तीन चम्मच भर भर के डाल लेती हूँ। तीन चम्मच में चार है, चार चम्मच में, चलो कोई नहीं। ये मैंने डाला है वनीला लहसुन, ये डालना ज़रूरी है, इससे खुशबू केक की सही आती है। तो इलायची का पाउडर, वनी लहसुन नहीं है तो फिर इलायची का पाउडर डाल लो, है तो फिर आप उसको ना डालें। ये मैं डालती हूँ अंदर बेकिंग पाउडर एक चम्मच। अभी ये इन सारी चीज़ों को मैं हिला के सेट कर लेती हूँ। देखिए मिक्स हो रहा है, इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेती हूँ। बस ये तो उतनी देर ही करना है कि जो अंदर गुठली वगैरह ना सूजी के आटे की जो बन जाती है वो ना बने, पकाया सारा कुछ सही है। अभी ये देखिए ये हो गया मेरा रेडी, इसको मैं एक तरफ करती हूँ। अगर मैं ले लेती हूँ सांचा, इसके अंदर आयल लगाती हूँ, साथ में निकालती हूँ कुछ डेढ़ एक ही चाहती हूँ। इसके अंदर मैं लगाती हूँ थोड़ा सा आयल, अक्सर मैं बना के खाती हूँ तो शेयर नहीं कभी मैंने किया, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने व्यूवर्स को भी सादे तरीके से बनाना सिखा दूँ कि ना मैदा हो अंडा ना हो, तो घर में चीज़ें जो है उससे बना लेंगे। देखिए ये मैंने नीचे लगा दिए हैं, ये जो बच गया इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये देखे मैंने सेट कर लिया अंदर सारा, किसको ये देखे मैंने सारा रेडी कर लिया अंदर, मैंने इसको सही तरीके से चिपका दिया। अभी मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ ये मिक्स है। ये सारा कुछ आज मैंने इतनी के रखी है, तो ये मैंने गरम होने के लिए कढ़ाई रख दी है, जब गरम होती है कढ़ाई फिर अंदर ही रखती हूँ। ये देखे मेरे नाखूनों के अंदर ना ये मैं कलर करना शुरू किया था, ये देखे मैंने कलर करना शुरू किया था, नहीं सही हुआ तो मेरे नाखूनों में चला गया। फोम से कर रही थी ना
तो फॉर्म से नहीं सही होता है, ये ब्रश से सही होता है, ये जो ब्रश होते हैं ना छोटे छोटे उनसे सही होता है, तो अब ब्रश से ही करूँगी। ये हाथ भी गंदे होते हैं ये दे, मैं ऊपर बादाम, मैंने कहा तब तक वो कढ़ाई गर्म होती है बादाम ऊपर डाल देती हूँ, फ्रूट केक है ना, फिर आपको पता है बादाम या मुरब्बे या सौंगी वगैरह, तो बच्चे सौंगी नहीं खाते, मैंने नीरा बस नीरा थोड़ा सा बादाम डाल के ऊपर सारा ये देखे सेट कर दिया। अभी ये देखे ये अंदर से हो गया गर्म, अभी ये देखे मैंने ये रख दिया अंदर, ऊपर मैंने कर दिया बंद, नीचे आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। चले आओ खाना खाओ। अभी ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सूजी वाला केक रेडी हो गया है, तो ये देखे इसकी शक्ल कैसे बनी है, तो खाने में तो मज़ेदार है लेकिन वो जैसे केक वो दूसरा होता वैसे नहीं बना, मैंने कहा इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ इसकी शक्ल, जब आप बनाएंगे घर पे तो परेशान मत होना कि ये पता नहीं क्या बन गया, लेकिन है मज़ेदार बना है वो। असल में ना मुझे लगता है मुझसे या वो घी ज़्यादा हो गया या दूध कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है, तो वो सहत नहीं हो सका, तो नरम ही रहा है, लेकिन है प्यारा, ये देखे ना प्यारा बन गया, पहली दफ़ा बनाया ना अंडे और मैदे के बगैर, तो फिर इस तरह की बनता है, दूसरे तो बनाती रहती थी, ये वाला पहली दफ़ा बनाया, लेकिन है मज़ेदार है, आप भी ट्राई कर लें सही है ना, बच्चे खा रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है। अभी बच्चे खा रहे हैं सूजी का हलवा या केक जो भी कह रहे, बनाया था अपनी तरफ से केक था लेकिन वो बन हलवा गया, तो लेकिन ये है कि चलो गुजारे, मीठा मीठे के हिसाब से देखा जाए तो सही हो गया, मैं इसलिए आपसे आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी वीडियो या बुरी चीज़ बनी हो अच्छी बनी हो सब कुछ दिखाना चाहिए, आपको भी बताओ ना कि आपको ट्राई करें तो आपको बताओ, लेकिन ये है कि कुछ यूट्यूब पे वीडियो ऐसी होती हैं कि ये जैसे ये बना है तो नहीं मुझे नहीं समझ आई वो ऐसे फ्रेंच फ्रैंक किए होते हैं उन्होंने, वो कैप कट करके किए होते हैं, तो इतना प्यारा उधर लग रहा था, मैंने कहा इतना प्यारा मानो केक है चलो आज ये बना के ट्राई करते हैं, मुझे क्या पता था इसका ये बन जाना, लेकिन ये एक मज़ेदार इसलिए बना, चीनी है सूजी है वो आम एक बादाम वगैरह डाले हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये मत कहना कि ये वीडियो इनकी रेसिपी अच्छी नहीं बनी और ये दिखा रहे हैं, मैंने इसलिए दिखाई, बच्चे माशाल्लाह खा रहे हैं, उन्होंने खा भी लिया है, हलवे टाइप की शक्ल हो गया ना छोटे छोटे पीसों में, जैसे केक छोटे पीस में नहीं होते जो पश्ती केक होते हैं ऐसे हो गया, लाओ इधर दिखाओ, ये देखो बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखे खा भी लिया, मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, तो बच्चों ने माशाल्लाह खा लिया, सिंक में रख दो ये चम्मच प्लेट भी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, तो आप भी ट्राई करें, लेकिन घबराना नहीं है कि पता नहीं ये ख़राब होगा, ये ख़राब नहीं होता मेरे हिसाब से, ये सूजी का केक है तो ये हलवा टाइप ही शायद बनता है, तो जहाँ जहाँ मेरे खुश रहे बाद रहे हंसते मुस्कुराते रहे, उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी आपको, ओके अल्लाह।